कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण दसवा सूत्र शेम अनुवाद। तेरे राज्य पुत्र पुत्रियां शरीर और सुख जन्म जन्म से नष्ट हुए हैं, यद्यपि तू उनमें आसक्त था। व्याख्या। मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, नौकरी करता है, धन कमाता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, घर बसाता है एवं इन सब में उसकी आसक्ति रहती है, क्योंकि इन्हें वह अपना समझता है। इनके साथ उसकी अनेक अपेक्षाएं जुड़ी रहती है, किंतु इस आसक्ति के होते हुए भी मृत्यु के समय सब छूट ही जाते हैं। इन्हें बचाने का कोई उपाय मनुष्य के पास नहीं है, फिर नए जन्म में यही सब कुछ करता है, किंतु अज्ञानवश वह यह नहीं समझ पाता कि मेरी आसक्ति का त्याग ही ज्ञान है। अष्टावक्र जी जनक जी को यही उपदेश देते हैं कि अनेक जन्म हुए हैं तेरे, अनेक जन्म हुए हैं, हर जन्म में तुझे राज्य पुत्र पुत्रियां शरीर और सुख मिले हैं, किंतु वे सब तेरे आसक्त होते हुए भी नष्ट हुए हैं। ये तेरे कभी हुए नहीं है, इसीलिए तेरी आसक्ति मिथ्या है। ये तेरे कभी हुए नहीं है इसलिए तेरी आसक्ति मिथ्या है, इसी आसक्ति के कारण तुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है एवं इस आसक्ति के कारण ही उनसे छूटने में दुख होता है, अन्यथा दुख का कोई कारण ही नहीं। इसीलिए इन पूर्व जन्मों के अनुभव से शिक्षा ग्रहण करके अब तो तू इस आसक्ति का परित्याग कर, जिससे इस बार बार जन्म लेने और दुखों से तेरी मुक्ति हो सके। इसलिए इन पूर्व जन्मों के अनुभव से शिक्षा ग्रहण करके अब तो तू इस आसक्ति का परित्याग कर, जिससे इस बार बार जन्म लेने और दुखों से तेरी मुक्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण नारायण।